अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो आज की वीडियो के साथ अगेन मैं आ गई हूँ एक नई मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ। सबसे पहले स्टार्टिंग में हो रहा है बेस मेकअप, और मैंने सोचा है कि अभी कुछ दिनों के लिए मैं मेकअप कंपाइलेशन वीडियोज़ के ऊपर ही रहूँगी, क्योंकि यार जो हमारी जो फेस्टिव सीज़न वाली वीडियोज़ हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है कि मैं अपलोड करूं। मैंने काफ़ी देखा तो लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करूंगी। मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूं। मैं अभी आने वाले कुछ दिनों में अपना एक DSLR ले लूंगी, तो मैं फिर उससे डायरेक्ट उसी से शूट करूंगी अपनी वीडियोस। तो जब तक के लिए मैं अपनी जो मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस हैं उनके साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे वीडियोस तो रेगुलर अपलोड करनी ही करनी है, वीडियोस को नहीं छोड़ सकते। तो जब तक मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस आती रहेंगी। मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस में भी आपको बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग फेसेस पे, अलग अलग कॉम्प्लेक्शन पे, अलग अलग तरह के लिप कॉम्बोज होते हैं जिनको आप अपने घर बैठे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो कंपाइलेशन वीडियोस हैं, अगर मेरे पास DSLR आ भी जाएगा तो भी मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस तो इंशाल्लाह आती ही रहेंगी, क्योंकि मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस की भी एक मुझे सीरीज़ बनानी है, और उसके साथ साथ मैं अपनी जो मेरी ओरिजिनल वीडियोस हैं जो मेरी फेस्टिव सीज़न वाली, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आज जो है वो 4 या 5 तारीख है, इंशाल्लाह आफ्टर 10 मैं दोबारा से शूटिंग शुरू करूँगी अपनी ओरिजिनल वीडियो की, अपने अच्छे वाले कैमरा के साथ जो कि मैं ले रही हूँ DSLR। DSLR बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो मैं अभी नहीं लूँगी, लेकिन यह है कि ऐसा DSLR होगा कि उससे क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आएगी। जिस तरह की क्वालिटी आप लोगों को इन मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस में नज़र आती है ना, उस तरह की तो एटलीस्ट क्वालिटी होगी। तो बहुत ये एक अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही होती हूँ और फिर रिज़ल्ट आउटकम जो है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा होता। तो अगर मैं YouTube को अच्छी क्वालिटी की वीडियोस दूंगी तो YouTube ऑटोमेटिकली मेरी वीडियोस को आगे पुश करेगा, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। लेकिन शॉर्ट्स वगैरह आती रहेंगी, बाकी मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस आती रहेंगी, और बाकी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जो है ग्राफिक लाइनर की भी वीडियोस की एक सीरीज़ बनाऊंगी शॉर्ट्स की, जो कि मैं अपने टिकटॉक पे डालूंगी। तो उसके लिए भी वो भी मैंने अभी फ़िलहाल इसीलिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि मैं वो भी अपने DSLR के साथ ही शूट करूंगी। मैं बोलती हूँ यार, अच्छा कंटेंट अगर आ रहा है तो क्वालिटी में भी अच्छी क्वालिटी में आएगा तो जो है वो पसंद भी किया जाएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है कुछ भी। तो एटलीस्ट ऐसी क्वालिटी तो हो जैसी मैं आप लोगों को मेकअप कंपाइलेशन वीडियो में दे रही हूँ। तो मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस आती जा रही हैं, मैं अपनी बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना भी है मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। और फ्यूचर प्लान तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन वो उन फ्यूचर प्लान्स के लिए अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे हैं जिनको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, और कुछ ऐसे हैं जो मैं अपने फाइनेंशियल रीजंस की वजह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, ये वाला जो आई मेकअप है ये थोड़ा सा जो लोअर लैश लाइन के ऊपर जो कलर लगाया है ना वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, बाकी जो अपर लैश लाइन पे किया है वो मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे वैसे पर्सनली ना लोअर लैश लाइन पे इतना ज़्यादा नीचे तक जो कलर्स लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स लगा देते हैं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मतलब अगर मैं अपना मेकअप करूं तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी इस तरह का मेकअप, लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी होता है, तो जिन लोगों को पसंद है वो बिल्कुल करें और कोशिश करें थोड़ा सा नेचुरल लुक में रहने की। और जिनको डार्क पसंद है, डार्क भी है, ज़रूरी नहीं है कि डार्क करो तो वो बहुत ज़्यादा ऑफ ही लगे, डार्क को भी आप सटल वे में कर सकते हो। अगर आप डार्क आई मेकअप पसंद करते हो, आप उसको सटल वे में करोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो मैं भी स्मोकी आईज़ की तरफ भी आई हूँ, मैंने अभी एक स्मोकी आई की फेस्टिव सीज़न पे वीडियो अपलोड की थी, और मैं आगे भी करने वाली हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे DSLR के साथ। तो मेरे लिए थोड़ी दुआ करें कि मैं जो है वो अपने
मकसद तक पहुंचने के लिए कामयाब हो जाऊं और इंशाल्लाह, क्योंकि ना पता है मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक चीज़ का जहन बना लेती हूँ और फिर वो चीज़ ना हो नहीं पाती किसी भी रीज़न की वजह से। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरा कंप्लीट इरादा है कि 10 तारीख तक मैं जो है वो ले लूँगी अपना DSLR, और उसके बाद मुझे जो है एटलीस्ट क्वालिटी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रिंग लाइट्स वगैरह मेरे पास हैं, मोबाइल के कैमरा से वो क्वालिटी नहीं आ रही। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने रियर कैमरा से भी बनाने की कोशिश की, रियर कैमरा में भी मतलब फेस के ऊपर ना जो मैं कलर्स लगा रही हूँ अपनी आइज के ऊपर, वो वैसे नज़र नहीं आ रहे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, मतलब जैसा मैं चाहती हूँ कि उनकी पिगमेंटेशन नज़र आए। तो ये थोड़ा सा मसला आ रहा है। बाकी वॉइस ओवर का थोड़ा सा ये है कि मेरे कमरे में है थोड़े से बर्ड्स, तो इंशाल्लाह मैं अपने कैमरा के साथ साथ अपनी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी करूँगी। कभी मेरे जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुए हुए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको थोड़ी कम आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरे बर्ड्स की, क्योंकि इस टाइम मेरे बर्ड्स जो है ना वो बिल्कुल नींद में हैं और सोने वाली कंडीशन में है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मैं थोड़ा हल्की आवाज़ में कर रही हूँ वॉइस ओवर ताकि उनको पता ना चले। अगर मैं तेज़ आवाज़ में करूँगी तो वो भी मेरे साथ बोलना शुरू कर देंगे। तो ये सारी कहानी है, और बर्ड्स को तो मैं अपने कमरे से नहीं निकाल सकती। हाँ, अलबत्त मैं अपने कमरे से बाहर जाके दूसरे कमरे में वॉइस ओवर ज़रूर कर सकती हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि जब मैं अपना DSLR वाला काम करूँगी तो मैं या तो दूसरे कमरे में करूँगी, या तो माइक का कुछ ऐसा सिस्टम करूँगी कि मैं नॉइस रिडक्शन कर दूँ। तो देखें क्या होता है, मेरी तो पूरी नियत है और कोशिश ये भी है कि ये है 2024 और 2025 में मैं अपने चैनल को एटलीस्ट इतना बिल्ड कर लूँ कि मुझे मतलब इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े अपने यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। और कुछ कहीं कहीं मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे आउटकम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ ना तो मैं वो चीज़ हासिल कर लेती हूँ, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। क्योंकि मैं ना किसी चीज़ के पीछे ना बिल्कुल पागलों की हद तक पड़ जाती हूँ, और फिर मैं उसको जब तक नहीं छोड़ती जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। तो अगर मैं YouTube के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से काम कर रही होती ना तो अभी तक मैं YouTube पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप में आ चुकी होती। लेकिन क्योंकि मैंने YouTube पे काफ़ी जो है वो YouTube को इग्नोर भी बीच में किया, मैंने लॉन्ग वीडियोस काफ़ी टाइम तक अपलोड नहीं की, मैंने काफ़ी टाइम तक वीडियोस को छोड़ दिया था अपलोड करना, तो इस वजह से जो है मेरा चैनल इतना ज़्यादा अभी तक ग्रो नहीं किया। अगर मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस करती रहूं और एक कॉन्स्टेंट काम करती रहूं तो मेरा चैनल को ग्रो होने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बस मेरा जो मैंने शायद बताया था पहले भी कि मेरा एक ये होता है कि मैं कॉन्स्टेंट नहीं रह पाती हूँ, कभी मोटिवेशन कम हो जाती है, कभी मेरी तबीयत सही नहीं होती, कभी कोई इशू हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है। ज़्यादातर ये होता है कि मैं जो है ना मतलब डीमोटिवेट हो जाती हूँ, या मैं मतलब कभी कभी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती कायली आ जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये रीज़न ज़्यादा होते हैं, तो जब ये रीज़न्स होते हैं इस वजह से, और मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं ना यार हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, वो सिर्फ बहाने बनाते हैं, उनके पास सिर्फ रीज़न्स। और ये बात मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि मैं भी अगर कहूँ कि यार मैं तो मेहनत कर रही हूँ मुझे मिल नहीं रहा कुछ, तो ऐसा नहीं है, मैं उतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए और जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनको मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ये चीज़ पे ध्यान दें कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं, क्या आप अपना 100% देने के बाद भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें से मेरे ख्याल से 90% लोग यही बोलेंगे कि नहीं हम अपना 100% तो नहीं दे रहे। तो मैं भी यही कहूँगी कि मैं YouTube पे भी फ़िलहाल अपना 100% बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। अगर मैं अपना 100% देना शुरू कर दूँ, जो कि मैंने सोच लिया है कि अब मैं करूँगी, तो मुझे यकीन है कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं आगे ही आगे जाती जाऊंगी। तो
तो आप लोग के लिए भी यही एडवाइस है कि अगर कुछ करना चाहते हो तो किसी को बहाना मत बनाओ, किसी कोई कोई ये चीज़ मत करो कि यार कि हमें लोगों ने मतलब लोग डीमोटिवेट कर देते हैं या घर वाले परमिशन नहीं देते या कुछ। मेरे साथ भी ये सारे मामला बहुत ज़्यादा होते थे कि कभी घर का इशू होता था कि भाई घर वाले जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे या अपना जो है वो डीमोटिवेशन आ गई है वो। लेकिन जहाँ तक बात है घर वालों के सपोर्ट ना करने की, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको आपके घर वाले देखते हैं ना कि आप किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और तो वो आपको खुद सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी एक एवरेज ही फैमिली से हूँ, तो मेरे फैमिली में भी ये इशूज़ थे कि अव्वल तो यूट्यूब कोई काम नहीं समझते, भाई यूट्यूब क्या है, कोई काम नहीं है, तो ये मसले मसाइल होते हैं। फिर काफ़ी सारे और इश्यूज़ भी होते हैं, तो जब फैमिली ये देखती है ना आपकी कि नहीं यार ये बंदी जो भी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, कोई भी है, मेरी वाइफ है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना एम्बिशियस है इस चीज़ को लेके और ये वाकई में कुछ कर सकती है, आपके अंदर वो चीज़ स्पार्क भी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आप बस कैमरा उठा रहे हो और कोई फजूल किस्म का कॉन्टेंट बना रहे हो, कोई जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई आपका एक जॉनरा होना चाहिए, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो कि जो एक रिस्पेक्टेबल वे में आगे जाए, ना कि आप क्रिंज वीडियोज़ बना रहे हो। तो ऐसी चीज़ों में तो मुझे लगता है कि सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए क्रिंज में, और सिर्फ आपने अपना फेम लेना है, भले वो आपका डार्क फेम हो, बिल्कुल नेगेटिव फेम हो, तो फेम जो है वो हम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप फेम लेना ही चाहते हो तो पॉजिटिव वे में लो, अगर कम भी मिलता है तो यार उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए फेम लाजमी, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाती ना आपके ख़ानदान में, ना मुआशरे में, ना लोगों में। तो आजकल मुझे लगता है लोग सिर्फ फेम के पीछे भागते हैं, फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो ये नहीं देखते। तो अगर आप किसी चीज़ में 100% इन्वेस्टेड हो, आपके पास कोई ऐसी स्किल है, और सबसे पहले तो अपने पर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ यार मैं ये कर सकती हूँ, और कुछ करके दिखाओ अपना जो है क्या कह सकते हैं यार उसको, एम दिखाओ, अपना पैशन दिखाओ, उसके बाद लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लोगों की सपोर्ट करने की बात नहीं, आपकी एटलीस्ट आपकी करीबी जो हैं, जिनसे आपका करीबी रिश्ता है, आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो एटलीस्ट आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो जो लोग ये सोच लें पहले कि यार ये करना है, लेकिन ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा बहुत फ़ाइट भी करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा मनाना भी पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी मार भी खानी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कभी 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 करनी पड़ती हैं, और फिर आप जो है वो कोई ना कोई मकाम अचीव करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो तो वो इतना आसान है अचीव करना? अगर इतना आसान होता कोई चीज़ कोई मकाम अचीव करना, तो हर कोई इंसान कर चुका होता लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आसानी से कोई भी मकाम पे पहुंच सकते हो। इसके लिए आपको लाजमी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको पे करना पड़ता है। वो मिसाल है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ आपको लाजमी खोना पड़ता ही है। तो अगर आपने कुछ पाना है तो सबसे पहले आप जो है वो रेडी रहें खोने के लिए। अगर आप रेडी हैं खोने के लिए तो आप फिर ये फिक्र नहीं करें कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपके अंदर पहले ये एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं कुछ भी खोने को तैयार हूँ लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ बस थोड़ी सी आपने अपने अंदर पैदा करनी है। अगर आप बिल्कुल रियली कुछ करना चाहते हो, अगर तो सिर्फ ये है कि नहीं यार चलो कुछ पैसे कमा लो या कुछ मतलब थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए बस, ज़्यादा कुछ नहीं, तो उन आपके लिए ये बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो दिन रात जो है ना दिन जहन में यही सोच रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, दिन रात सोते जागते उठते बैठते उसके दिमाग में हमेशा यही चल रहा है कि यार मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। और मुझे लगता है उनको ये बात मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो कुछ करना चाहता है ना कोई तो वो कर लेता है, जो बिल्कुल मतलब इंटेंशनली और बिल्कुल फोकस होता है किसी चीज़ में तो वो चीज़ कर लेता है। तो
ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आप अगर बिल्कुल फोकस हो किस चीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ किसी की बातों से मोटिवेट होकर आप बोलो कि चलो शुरू कर देते हैं, फिर बाद में आपको मोटिवेशन ही नहीं आ रही, आपको कोई जो है वो इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा किसी चीज़ में। हाँ, अगर आपके अंदर वाकई में ये है आपके आपको कुछ करना है, तो फिर बिल्कुल आप आगे बढ़ें और उस तरफ जाएँ जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। और बिल्कुल आपकी अल्लाह ताला भी जब भी मदद करता है, जब आपके अंदर वो देखता है कि हाँ भाई इसके अंदर किसी चीज़ को करने का एक जुनून है और वाकई में ये मेहनत कर रहा है, तो ही आपकी हर कोई तभी आपकी सपोर्ट करता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपको प्लेट में लाकर, बहुत सारे लोगों मैंने देखा वो समझते हैं कि लोग हमें प्लेट में लाकर दे देंगे सक्सेस और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो मेकअप कंपाइलेशन वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और ये वाला जो वाइट बेकिंग पाउडर है ये मेरे पास भी है बी ब्यूटी का। लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था तो इसकी कवरेज, एक तो ये बहुत अच्छा है कि ये बहुत अच्छे से आपकी अंडर आइज़ वगैरह को सेट कर देता है और केक ही नहीं लगता, ये सबसे अच्छी बात होती है इसकी।